न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। अचानक सेंधवा पहुंचे कलेक्टर और एसपी। जी हां, एक बड़ी खबर सेंधवा से है, जहां कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी दीपक कुमार शुक्ला और साथ ही जिला पंचायत सीओ ऋतुराज सिंह और उनके साथ सीएमओ अनिता सिंगारे सेंधवा के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। जी हां, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए सभी आला अधिकारी आज सेंधवा पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल में आ रही समस्याओं के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट का सही तरीके से ना चल पाने की कमी पाई है, जिसमें उन्होंने पाया कि कर्मचारी उसे सही तरीके से चला नहीं पा रहा है, जिस कारण ये समस्या आ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी को कर्मचारियों को बड़वानी में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर चिंता जताई है और साथ ही लोगों से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कलेक्टर जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं, आ रही समस्याओं को देख रहे हैं। सभी आला अधिकारी एसपी दीपक कुमार शुक्ला, साथ ही ऋतुराज सिंह और तहसीलदार सेंधवा के साथ साथ सभी लोग मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी फंक्शनिंग देखने के लिए ऑक्सीजन प्लांट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम देखने आए हैं। यहाँ पर अभी हमारे ऑक्सीजन प्लांट में जो हमारा टेक्निकल आदमी है, वो अभी इसको इतना आइडिया नहीं है। अभी हम लोग उनकी ट्रेनिंग कराते हैं बड़वानी में, जो जिला अस्पताल में परसों पूरा रखते हैं। वहाँ पे अभी संभागीय आयुक्त महोदय भी आए थे, उनके द्वारा काफी चीज हमको बताई थी और हम लोगों ने खुद उनको समझा है। पूरी प्रक्रिया को जिला अस्पताल हम समझेंगे, हर चीज को देखना है कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर जो बेड पे आना चाहिए वो कितना रिक्वायरमेंट है और कितना आ रहा है, वो हम लोग हर पॉइंट पे जाके चेक करेंगे और ऐसी व्यवस्था हम लोग कराते हैं। इसको शीघ्र ही टेस्टिंग करके वेंटिलेटर भी लगवा के देखेंगे, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है ठीक से या नहीं हो रही है, बाईपेप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई का जो चैन सिस्टम है, मैन फोल्ड वगैरह तैयार है कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखने आए हुए हैं। और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अन्य सामग्री पूरी जिले में तैयारी हम लोगों ने कर ली गई है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। केवल ऑक्सीजन का जो प्लांट है ये ठीक से कैसे काम करता है, इसको हमको ट्रेनिंग कराना है, वो हम लोग जल्दी करा लेंगे। हमारा पूरा तैयारी चल रही है तीसरी लहर के लिए, पूरे जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में साथ साथ में डेली इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, हम लोग डेली इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जिले में सेकेंड डोज का हम लोगों ने 75-76% कर लिया है और जो पात्र लोग हैं उनका 90% से अबव हो गया है। अभी भी सेंधवा में और पाटी और राजपुर में कुछ लोग हमारे अभी भी बचे हुए हैं, सेंधवा में ज्यादा बड़ा गैप है, उसको हम पूरा करने के लिए हमारे महाअभियान चल रहे हैं। हम लोगों ने कल शनिवार को भी काफी प्रयास किए और अभी मंडे को फिर से है, फिर बुधवार को महाअभियान चलेगा हमारा, शनिवार चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के एंड तक हमारा पूरे जिले की जो सेकंड डोज के जो हमारे पात्र लोग हैं सभी इनको वैक्सीनेशन हो जाए। एक नया खतरा सरकार के लिए बड़ा है और पड़ोसी राज्य में मुंबई में करीब 16 दिन के लिए धारा 144 लागू की गई है। सर, पड़ोसी राज्य बिल्कुल सटा हुआ है सेंधवा से, खेतिया से, और रोजाना यहां पर आवागमन महाराष्ट्र से आना जाना जारी है, क्या रहेगी सर व्यवस्था? ये पूरा जो हमारे जिले की व्यवस्था है, हम लोग डेली 1000 करीब सैंपल ले इसलिए रहे हैं कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आएगा तत्काल हमारे कॉन्टेक्ट में आएगा, हम लोग उसका जो प्रोटोकॉल के अनुसार उसको आइसोलेट करना, उसका इलाज करने की व्यवस्था करेंगे। पूरा शासन प्रशासन भोपाल से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर एक एक जो केस आता है उसकी नजर रखी जा रही है। अच्छी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में एक भी केस अभी ओमिक्रॉन का पॉजिटिव नहीं निकला हुआ है। प्रशासन शासन पूरा सजग है, हम भी सजग हैं। जैसे जैसे यदि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों के पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और हम लोग जागरूकता के लिए हम लोगों का भी उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन का हम जोर दे रहे हैं।